हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं AED ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर क्लास बच्चे आपकी 3 अप्रैल 2020 की जो सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी और साथ ही साथ SSC JEE के लिए जो हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो वो भी यहां पे मैं कवर करूंगा बच्चा। ठीक है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं बच्चा। जैसे ही आप लोग आज के न्यूज़पेपर देखोगे या न्यूज़ चैनल में देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा कि 960 बच्चे जो विदेशी तबलीगी है, ठीक है, उन्हें क्या कर दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और उनका वीजा बच्चा क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो भारत सरकार के द्वारा अभी क्या किया गया, जो 960 विदेशी तबलीगी उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और उनके वीजा को रद्द कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं बच्चा कि ये लगभग गृह मंत्रालय ने एक सूची जारी करी है कि जो अभी तक इनसे जुड़े हुए बच्चे जो लोग आए हैं, ठीक है, जो तबलीगियों से जुड़े लोग, ये लगभग भारत के अलग अलग राज्यों में पहुँच चुके। ठीक, क्योंकि आप लोगों को याद होगा 18 मार्च में जब भारत में या विश्व में लगभग आपका सभी देशों को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी WHO के द्वारा कि ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा ना हो, लेकिन यहाँ पे 2400 से लेकर 2500 लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और जो अभी तक लगभग प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ, 30 से 31 मार्च तक ये लोग साथ में रहे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला कौन सा बच्चा, आज जैसे आप लोग न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा बच्चा, एक अच्छा सा टॉपिक दिख जाएगा। लॉकडाउन में बच्चा और कुछ तो फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ बच्चा वो किसको, एनवायरनमेंट को हुआ। ठीक है, दिल्ली जैसे जो पॉल्यूट शहर था बच्चा आपका, सबसे ज़्यादा प्रदूषण की बात करते हैं, तो वहाँ पे बच्चा क्या हुआ आपका, यानी कि जो भारतीय शहर हैं वो हो गए आपके, और यानी कि गंगा हो गया बच्चा जल, वाटर की अगर बात करूँ तो ये वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन में बच्चा क्या हुई, कमी आई है। ठीक है, प्रदूषण में बहुत कम आ चुके हैं इसके कारण से, और नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करूं तो वो भी काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या दिया गया, ये भी COVID-19 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा बच्चा आपका, ये भी COVID-19 से जुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला व्यापक बच्चा COVID-19 ट्रैकिंग अनुप्रयोग है बच्चे। ठीक, इनमें से कौन सा है, विच एमंग द फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट कंप्रेसिव बच्चा COVID-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन, कोविन ट्रैकर, यहाँ पे क्या दिया गया, आरोग्य सेतु दिया गया आपका, सक्षम दिया गया या विभाषा। ठीक है, तो इनमें सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, आरोग्य सेतु, समझ रहे हो, आरोग्य सेतु इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना, आरोग्य सेतु, यहाँ पे चीज़ें भी समझा देता हूँ आप लोगों को। आरोग्य सेतु भारत का पहला व्यापक COVID-19 ट्रैकिंग बच्चा क्या एक अनुप्रयोग है। ठीक है, ये टेस्टिंग है बच्चा, इसे 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ये लोगों को चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए क्या करेगा बच्चा, मदद कराएगा। ठीक है, COVID-19 के जोखिम के बारे में लोगों को सूचित करेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, समझ रहे हो, UN जो आपका COP 26 यानी कि क्लाइमेट समिट, समझ रहे हो, क्लाइमेट जो आपका समिट होना था 2020 में, इसे पोस्टपोन कर दिया गया बच्चा आपका 2021 के लिए। ठीक है, विच सिटी विल बी शेड्यूल टू होस्ट द समिट, यानी कि जो अब समिट होगा कहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसा कहा गया बच्चा आपका, यानी कि शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए कौन सा शहर निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे होना था बच्चा, वैसे ग्लासगो में होना था बच्चा। ठीक है, कहाँ पे होना था बच्चा आपका, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होना था, लेकिन अब क्या कर दिया गया बच्चा आपका, 2021 तक इसे स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से जानना चाहूँगा मैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं अभी बच्चा, ठीक है, COP 25 कहाँ पर आयोजित हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन 2000 जो आपका 2021 में हुआ था बच्चा, 20 में नहीं, 2019 में जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। ठीक है, 2019 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, आज के न्यूज़पेपर और कल के बच्चे आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में देखा होगा। ठीक है, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल हैज़ द अनाउंस्ड हाउ मच फंड बच्चे ड्राइवर ऑफ ऑटो अदर पब्लिक सर्विस व्हीकल्स एंड नेशनल कैपिटल ड्यूरिंग बच्चा, ठीक है ना, अच्छा कैपिटल नहीं, कैप्चर नेशनल कैपिटल ड्यूरिंग बच्चा लॉकडाउन पीरियड के, इस दौरान बच्चा क्या आपका, लॉकडाउन पीरियड में जो ऑटो चालक होते हैं, ठीक है, राजधानी क्षेत्र में अन्य सार्वजनिक सेवाओं के वाहन के जो क्या होते हैं ड्राइवर होते हैं, इनके
अकाउंट में कितना पैसा दिया जाएगा, तो एक साथ बचा इन्हें कितना अमाउंट दी जाएगी, 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो एक मदद राशि है। और इस समय पर बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक पहल भी है बच्चा, ठीक है, और अच्छी पहल भी है कि इस तरह से मदद होनी चाहिए, समझ रहे हो। हम किसी चैरिटी में इतना ज़्यादा दे देते हैं, समझ रहे हो, तो उससे अच्छा है कि किस डायरेक्टली बच्चा ये उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उन्हें दिया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे हम लोग। अब देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 अप्रैल 2020 से क्या किया गया बच्चा, लाइव टेलीविजन पे क्या घोषणा की गई थी कि 5,000 रुपये ऑटो चालक हो गया, टैक्सी हो गया, ई रिक्शा हो गया, RVTC की बात की गई, ठीक है, तो सार्वजनिक सेवा के वाहन चालकों के खातों में सीधे लॉकडाउन अवधि के माध्यम में क्या दिया जाएगा बच्चा, स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक। अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस राष्ट्र ने करी, इससे पहले चाइना ने करी थी, विच नेशन विच एंश्योर द प्रेजिडेंसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन अप्रैल 2020, फ्रांस, इटली, स्पेन या डोमिनियन गणराज्य बच्चा, ठीक, तो किसने करी थी इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका डी, डोमिनियन गणराज्य ने ये अध्यक्षता करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या आ रहा बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बच्चा आपका डी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड गवर्नमेंट ऑफ बच्चा कैपेबल, समझ, इन कैपेबल मोर द पीपल गेट हेल्थ कवर बच्चा, ठीक है, तो कौन से दिया गया, आरोग्य सेतु, आरोग्य संजीवनी, समाधान या शक्ति, निम्नलिखित बीमा पॉलिसी में कौन सा सरकार को स्वास्थ्य कवर प्राप्त करने के लिए अधिक लोगों को सक्षम करने के लिए बच्चा अनुमोदित किया गया, जो अभी किया गया जो पॉलिसी, तो वो कौन सा है बच्चा आपका, आरोग्य संजीवनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, बी, आरोग्य संजीवनी, ठीक है, तो इसका यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा आपका, भारत में बीमा, समझ रहे हो, भारत में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बच्चा आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी को मंजूरी दे दी, ठीक है, जो एक मानक और समान उत्पाद है जो, ठीक है, क्या बच्चा आपका इक्वल जो, ठीक, अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान प्राप्त कराने में सक्षम रहेगी, ठीक है, 18 वर्ष से अवधि तक बच्चा और 65 वर्ष की आयु तक बच्चा किसी व्यक्ति को क्या कराएगी, यहाँ पे ये पॉलिसी कवर कराएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया बच्चा, अच्छा क्वेश्चंस आपका, पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों के मुख्य अधिकारियों को क्या चुना गया बच्चा आपका, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी के तौर पर चुना गया, पंजाब नेशनल बैंक ने बच्चा ये घोषणा करी आपकी, क्या बच्चा आपका ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी के रूप में किन्हें चुना गया बच्चा, ठीक है, तो ये है बच्चा आपका OBC बैंक और UBI बैंक के जो अधिकारी बच्चा उन्हें चुना गया। अब इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा चीज़ें समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC का मतलब क्या होता है बच्चा आपका, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, ठीक है, और यूनाइटेड बैंक ऑफ, यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को बच्चा विशेष क्या चुना गया, कर्तव्य अधिकारी के तौर पर नामित किया गया, ठीक है। मुकेश कुमार जैन OBC बैंक के CEO हैं, जबकि अशोक कुमार प्रधान बच्चा UBI के क्या है, CEO, ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, समझ लो, तो ये भी याद रखना बच्चा दोनों के बारे में। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किस टेनिस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट हैज़ बीन कैंसल टू द फर्स्ट टाइम सिंस World War II के बाद, तो किसे कर दिया गया, यहाँ पे बहुत सबसे पुराना है बच्चा आपका, तो कौन सा है, विमल्डन, यानी किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, विमल्डन। अब यहाँ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क बन जाता है, मैंने आप लोगों को स्पेशली, अगर आप लोग देखोगे बच्चा फर्ब में बताया था मैंने आप लोगों को, सेकंड फर्ब या थर्ड फर्ब के जब मैंने करंट की क्लास ली थी वहाँ पे बताया था कि सबसे पुराना कौन सा है, कौन कब शुरू हुआ, तो आपको मुझे बताना है कि ये चारों जो टूर्नामेंट होते हैं आपके, समझ लो, ग्रैंड स्लैम में जो चारों आते हैं आपके, सबसे पहले आपका क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच हो गया, फिर विंबलडन हो गया, फिर US हो गया, तो ये चारों के चारों किस वर्ष शुरू हुए, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे रहे हैं बच्चा, ठीक है, वो भी कौन से कमेंट्स बॉक्स में बच्चा, जो स्ट्रीमिंग के बाद वाला जो कमेंट्स आता है बच्चा अभी नहीं, वहाँ पे दीजिए बच्चा आप सभी लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या रहा बच्चा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर था आपका कौन सा, विमल्डन, ठीक है ना, उस क्वेश्चन जो रह गया बच्चा आपका पीछे क्वेश्चन जो रह गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका राइट आंसर था विमल्डन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत के साथ बचा इंद्रधनुष। अब चलते हैं हम लोग एसएससी जेई के लिए रिवीजन सेशन में। ये बच्चा आपका स्पीड में होगा थोड़ा, ठीक है, रिवीजन सेशन के थोड़ा स्पीड में देखते हैं बच्चा इनको, ठीक है। विच नेशन पार्टिसिपेट बच्चा इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 इंडिया, ठीक है। तो भारत और किस देश के बीच में, तो ये हुआ भारत और किसके बीच में बच्चा आपका, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, भारत और ब्रिटेन के बीच में। इंद्रधनुष जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और किसके बीच में बच्चा आपका, तो किसके बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, विच कंट्री होस्ट द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप बच्चे आपका 2021 में, तो कौन कर रहा है बच्चे आपका, सी न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या था, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर नेशनल वोटर्स डे, वोटर्स डे की बच्चा थीम क्या रखी गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर द स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर, समझ बच्चा आपका, इट्स स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी इसकी क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता था, ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी डैनियल बच्चा आपका मेलदेव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए जो आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बच्चा आपका बी नोवाक जोकोविच, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षण के लिए बच्चा, ठीक है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से किस भारतीय खेल व्यक्तित्व को यह अवार्ड दिया गया या किसने जीता बच्चा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रिसेंटली वॉन लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट कैटेगरी बच्चा, तो किसे दिया गया ये, बहुत बढ़िया, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता आप लोगों के लिए, सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, समझ लो, भारतीय बच्चा क्रिकेट महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, इनकी जो आत्मकथा है, उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट्स में आंसर दे रहे हो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अशरफ गनी हाल में ही दूसरी बार बच्चा राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए, तो इनका बच्चा कहाँ पे, समझ, अशरफ गनी वॉन द सेकंड टर्म द प्रेजिडेंट विच विच कंट्री, ठीक है, तो कहाँ के चुने गए बच्चा ये, ऑप्शन ए इराक, ईरान, सऊदी अरब या अफगानिस्तान, तो सही आंसर क्या बनता है आपका, डी अफगानिस्तान के चुने गए, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस बच्चा अभी मिनिस्टर राजनाथ सिंह होंगे, या डॉक्टर के शिवम होंगे, या डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, या वी के सारस्वत, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, समझ रहे हो, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान समय पर क्या है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, सी इसका राइट आंसर आएगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान समय पर क्या है बच्चा, हेड है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में, 1958 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी बच्चा। इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आप लोगों को क्लास सुचारू रूप से दी जाए, ठीक है, स्टूडियो पहुँचना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के लिए पूरी की पूरी कोशिश करते हैं एक डेडिकेशन के साथ कि बच्चों का कहीं पे भी, ठीक है, हम भी पढ़ाए बिना नहीं रह सकते हैं, और बच्चे भी जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, जो हमसे डेडिकेटेड बच्चा, जो बच्चा हमसे बिल्कुल अटैचमेंट है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो बच्चे भी डेली यही सोचता है कि जब तक सर लोगों की क्लास ना देखी जाए तब तक शायद दिन ही पूरा ना होता हो, ठीक है। तो कुछ लोग इस इमोशनली तौर पर, तो बच्चे यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर, जिस तरह से हम लोग कंटेंट पहले देते थे, जिस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाता था, पूरी की पूरी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके बाद भी यदि आपको कहीं पर कुछ अभाव रह जाता है तो बच्चे, ठीक है, क्योंकि क्लास घर से चल रही है, यानी कि हम लोग स्टूडियो से नहीं ले पाते, तो घर पे बच्चे थोड़ा माहौल उस तरह से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संसाधनों का अभाव है, ठीक। तो अब बढ़ते हम लोग आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में बच्चा किसे चुना गया, ये एसएससी जेई के लिए रिविजन सेशन है, ठीक है, एनके सिंह को बच्चा, ठीक है ना, एनके सिंह को चुना गया, यानी कि 15वें वित्त आयोग के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 को आप लोग देखिए, तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था दी गई है वित्त आयोग की बात की, ठीक है, प्रत्येक 5 साल के लिए चुने जाते हैं और
किसके द्वारा चुना जाता है बच्चा इन्हें, तो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन चुनता है बच्चा, तो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, न्यू इन्फॉर्मेशन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है आपके, नीरज कुमार, आर के माथुर, बिमल जुल्का या तुषार मेहता। यदि यहाँ पे सुधीर भार्गव ऑप्शन में आता है तब आप लोग शायद कहीं गलती की गुंजाइश होती, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल नया नाम आया है बिमल जुल्का, ठीक है, तो बिमल जुल्का आप लोगों को याद करना बच्चा, ठीक है। तो याद रखना मैंने आप लोगों को बताया था बच्चा आर टी आई यानी कि क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19A के अंदर दिया गया है। और पूरे भारत में बच्चा ये कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 में पूरे भारत में लागू हो गया था, समझ रहे हो। यानी कि जो आरटीआई की बात कर रहा हूँ बच्चा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया गया आपका, तो ये दिया गया बच्चा हमारे मूल अधिकारों के अंदर और 19A के अंदर रखा गया। 19A जहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं हम लोग, वहीं पे इसे रखा गया। और 12 अक्टूबर 2005 को बच्चे क्या होता है, पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग याद करते रहिए बच्चा, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हर साल विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बच्चा, तो ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व बच्चा क्या धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं बच्चा, मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उस मानव रोबोट का नाम बताइए जिसे इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए विकसित किया गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ह्यूमन रोबोट दैट कैन बी डेवलप बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड टू स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में। व्योम मित्रा यहाँ पे क्या दिया गया, वायु सना दिया गया बच्चा आपका, प्रज्ञा दिया गया या सूर्यवंशी। तो व्योम मित्र बच्चा क्या है, ये इसरो के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ठीक है, व्योम मित्र। तो इस तरह के टर्म्स भी याद रखने बच्चा, व्योम मित्र हो गया, दिशा हो गया आपका, ठीक है, सुरेना हो गया आपका, ये नाम भी याद रखने हैं। आदित्य L1 ये नाम आपसे पूछा जाएगा, अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहे। आगे बढ़ते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चंस के, और अगला क्वेश्चंस क्या रहा है, भारतीय रेलवे के द्वारा किस शहर में ऊर्जा संयंत्र के लिए देश का पहला सरकारी वेस्ट टू एनर्जी बच्चा प्लांट कमीशन किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे कमीशन किया गया बच्चा आपका, तो ये किया गया कहाँ पे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, भुवनेश्वर के अंदर रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे कमीशन द कंट्री फर्स्ट गवर्नमेंट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विच सिटी बच्चा, तो कहाँ पे ये आपका, भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, भुवनेश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, कैप की बात की गई बच्चे यहाँ पे, कैप का मतलब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, वेयर इज द सिचुएटेड, यानी कि कहाँ पर स्थित है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, कहाँ पर स्थित है बच्चा। तो ये स्थित है हमारा कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र के अंदर, समझ रहे हो। ये कैप कहाँ पे बच्चा, पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया बच्चा, ठीक है, कौन सा देश बच्चा अभी कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया, 2 साल के बाद ये बच्चा शामिल हुआ है, तो वो कौन सा है आपका, मालदीव, ठीक है। अब राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को, जैसे कि इस ये राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, 1926 में, पहली बार ये आयोजन कब हुआ था, 1930 में हैमिल्टन कनाडा से, और रिसेंटली कब हुए थे, 2018 में, उसके बाद कब होंगे, 2022 में होंगे, और 2018 में कहाँ पे हुए थे, तो ये हुए थे बच्चा आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 2022 में कहाँ पे होंगे, चाइना चीन के अंदर होने इनको, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तब जाके बच्चा हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर कोरोना वायरस ने काफ़ी ज़्यादा वक्त फैल चुका है, ठीक है। भारत में कहीं ना कहीं एक स्टडी के तौर पर कहा जाता है कि जो BCG का टीका है वो भारत में बच्चा व्यापक रूप से जन्म के बाद ही लगाया जाना शुरू हो जाता है, लेकिन अदर कंट्रियों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर BCG का टीका नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किस स्थान पर शुरू होगी, ठीक है, ये कहाँ पे होगी बच्चा, ये होगा आपका कहाँ पे, लेह के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, वो अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली अपॉइंटेड
इंडियन हाई कमिश्नर कैनेडा भेजा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए चार ऑप्शन, उन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पे बच्चा क्या दिया गया आपका, सुदेश बर्मन, कमल किशोर, अजय विसारिया या संजय सिन्हा, इनमें सही आंसर क्या आएगा बच्चा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, सी अजय विसारिया। ठीक है, अजय विसारिया वर्तमान समय पे क्या है बच्चा आपके। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है या 2020 में कब मनाया गया, समझ लो। तो विश्व वेटलैंड दिवस बच्चा आपका प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष बच्चा 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब शुरू की गई थी, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लॉन्च की गई बच्चा, तो ये कब की गई थी, तो ये की गई थी बच्चा आपका 2010 में की गई थी। इस योजना के तहत बच्चे जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें अलग अलग बच्चे इंस्टॉलमेंट में कितने टोटल आज के समय पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है बच्चा आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस के रूप में। लोगों को बच्चा कैंसर के लिए अवेयर करने के लिए, जागरूकता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को ये दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो बी, समझ रहे बच्चा आपका, बड़े पैमाने पर बच्चा जो नए प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई बच्चा कहाँ पे की गई, तो ये की गई कहाँ पे, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा बच्चा आपका यूएई के अंदर, बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इन विच सिटी डीएनए एनालिसिस सेंटर हैज़ बीन सेट अप अंडर द निर्भया फंड स्कीम। पहले तो निर्भया फंड स्कीम कब शुरू हुई थी हमारी, तो ये हुई थी बच्चा 2013 में निर्भया फंड जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, और अभी इसमें 7,000 रुपये का क्या, सॉरी बच्चा 7,000 करोड़ रुपए की क्या कर रही है, बजट व्यवस्था की गई निर्भया फंड के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे बच्चा आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा, चंडीगढ़ शहर में, कहाँ पे बच्चा आपका, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। निर्भया फंड योजना के तहत किस शहर में एक डीएनए विश्लेषण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो वो शहर है बच्चा आपका कौन सा, चंडीगढ़ शहर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र दिया, ठीक है, तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज शहर के रूप में घोषित किया गया बच्चा, किसे किया गया, तो पिंक सिटी जयपुर को। अब मैंने वर्ल्ड हेरिटेज की बात करी आप लोगों को, तो वर्ल्ड हेरिटेज बार बार कहता हूँ बच्चा, तो आप लोगों को बताना है कमेंट्स में 2019 में कहाँ पे हुआ और 2020 में से कहाँ पे होना था या कौन सा शहर इसे होस्ट करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के द्वारा हाल में गठित मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख होगा बच्चा, ठीक है, तो कौन होंगे, के प्रसरण, ठीक है ना, कौन होगा बच्चा आपका, के प्रसरण, ठीक है, के प्रसरण बच्चा क्या होंगे, जो आपका मंदिर ट्रस्ट बनाया गया बच्चा, ठीक है, राम मंदिर तीर्थ जो ट्रस्ट बनाया गया उसके क्या होंगे, सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था बच्चा 3 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ष बच्चा 16 नवंबर को नेशनल क्या मनाया जाता है, प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है बच्चा आपका, किस राज्य ने विदेशी सहयोग विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया, विच स्टेट हैज़ द डिसाइडेड टू सेट अप द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो नए बच्चा विदेशी सहयोग विभाग स्थापित करने का निर्णय किसके द्वारा ऐसा लिया गया, तो ये लिया गया बच्चा आपका किसका, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, बी इसका राइट आंसर आएगा जो आपके सामने दिया गया बच्चा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर को खेल से बच्चा 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, विच बांग्लादेशी क्रिकेटर हैज़ बीन बच्चा अभी रिसेंटली, तो आप लोगों को याद होगा बच्चा 2 साल के लिए तो किसे किया गया, साकिबुल हसन को। ठीक है, लेकिन बच्चा यहाँ पे शहादत हुसैन को भी क्या कर दिया गया, अगले 5 वर्ष के लिए ICC के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इन पर अनुशासनहीनता के कारण बच्चा इन पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, हाल ही में पारित किए गए जलवायु संरक्षण अधिनियम के अनुसार जर्मनी किस वर्ष तक अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा, जर्मनी विल बी अचीव इट्स क्लाइमेट गोल
विच ईयर ऑफ, ठीक है ना, जो कि बच्चा आपका क्या है, रिसेंटली बच्चा, ठीक है। तो ये कब तक आपका 2030 तक, कैसा घोषणा की गई, समझ रहे हो, जलवायु जो जर्मनी ने बच्चा किस वर्ष तक की घोषणा की गई, तो 2030 तक ये घोषणा की गई, ठीक। अब चलते हैं हम लोग बच्चा कुछ पुराने क्वेश्चनों की ओर, जो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले पढ़े हुए थे। क्वेश्चंस क्या दिया गया बच्चा आपका, ISSF के द्वारा विश्व कप 2019 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, शूटिंग फेडरेशन में भारत के लिए बच्चा पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, ठीक है। तो ये जीता था बच्चा आपका मनु भास्कर, इस यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, मनु भास्कर, ठीक है, जो आपके सामने दिया गया था उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था बच्चा आपका, बी मनु भास्कर, ठीक है। इन्होंने अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि कुछ समय पहले चर्चाओं में रहे मनु भास्कर किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो मनु भास्कर क्या बच्चा, शूटिंग से संबंधित है, ठीक है, मनु भास्कर शूटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ बच्चा क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे, म्यूनिक सिटी जर्मनी के अंदर। प्रेसिडेंट कौन है बच्चा आपका, व्लादिमीर करके लेसिन करके, और वर्ष इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। ISSF वर्ल्ड कप 2019 जो कि दिल्ली ने आयोजित किया था, ठीक है, न्यू दिल्ली में 2019 में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा आपका, 2020 में अतिथि कौन थे, तो 2020 में मुख्य अतिथि रिपब्लिक डे पे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायरो बोल्सोनारो थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे बच्चा 2020, तो कौन थे, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन कह रहा है अब ब्राज़ील के बारे में, तो ब्राज़ील की करेंसी क्या है बच्चा, तो यहाँ की ब्राज़ीलियन रियल यहाँ की करेंसी हो गई, ठीक है, ब्राज़ील की करेंसी क्या है, रियल करेंसी हो गई बच्चा, और कैपिटल ब्राज़ीलिया, प्रेसिडेंट जायरो बोल्सोनारो यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चा भारत में सोवा रिंगपा राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी, तो ये संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा बच्चा लद्दाख के अंदर लेह डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, लद्दाख के बारे में जान लेते हैं बच्चा, लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश है, और याद रखना बच्चा लद्दाख में कितने आपके, तो दो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कब बना आपका, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना, और वर्तमान समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है यहाँ पे, आरके माथुर, राजीव कुमार माथुर, जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी थे, वो वर्तमान समय पर लद्दाख के क्या है बच्चा, गवर्नर है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य सरकार ने 2020 में अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू करने की घोषणा करी, विच स्टेट अनाउंस्ड अरुंधति स्वर्ण योजना इन जनवरी 2020, तो किसने करी थी बच्चा, ये असम राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी। दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए किस देश ने बच्चा पर्यावरण वैज्ञानिक सहमत हुए बच्चा, ठीक है, तो ये किस कौन कौन देश के बच्चा आपका, यानी कि ए ब्रिटेन के। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, काला पानी जो क्षेत्र है बच्चा, इसे भारत में शामिल करने पर, यानी आपसे सिंपल सा एग्जाम पूछ, एग्जामिनर क्या पूछ लेगा बच्चा आपका, जो काला पानी क्षेत्र है ये भारत और किस देश के बीच में एक विवाद का क्षेत्र बना था, तो नेपाल के, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के अंदर बच्चा आता है आपका काला पानी क्षेत्र, उत्तराखंड सीमा से लगा हुआ, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर लगा हुआ, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, रिसेंटली चर्चा में रहा काला पानी क्षेत्र किस राज्य से लगा हुआ है, तो उत्तराखंड से। क्यों चर्चा में रहा, तो भारत और नेपाल के बीच में यहाँ पे सेना रखने पर ये विवाद में आया था, ठीक है, और भारत ने अपने मानचित्र में इसे दर्शाया था, इस कारण से बच्चा नेपाल को इस पर एतराज था, ठीक है, जो बाद में डिप्लोमेटिक तौर पर सुलझा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अब यहाँ पे नेपाल की अगर हम लोग बात करें, तो नेपाल से हमें क्या क्या चीज़ जानना है, ठीक है। नेपाल से जुड़ी हुई बच्चा जैसे कैपिटल काठमांडू हो गई, प्रेसिडेंट कौन हो गए, विद्या देवी भंडारी हो गई, वाइस प्रेसिडेंट कौन हो गए बच्चा आपका, नंद किशोर पुन हो गए यहाँ के, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है आपका, केपी शर्मा ओली यानी कि खड़गा प्रसाद ओली, ठीक है। भारत के चार राज्य नेपाल को टच करते हैं, भारत और नेपाल के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे क्या कहा जाता है, मार्क लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मार्क रेखा कहा जाता है, ठीक। और भारत के पांच राज्य कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम नेपाल को टच करते हैं। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत वहाँ की संसद को कहा जाता है, और वहाँ की कैपिटल कहाँ पे बचा, काठमांडू के अंदर, जो कि बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू के अंदर ही स्थित है। उसके साथ साथ क्या याद रखना आपको यहाँ से, सैगगेम, साउथ एशियन
गेम जो कि 2019 में कहाँ पर आयोजित हुए थे, वो भी नेपाल की राजधानी कहाँ पे बच्चा, काठमांडू के आसपास ही हुए थे, ठीक है। यानी कि साउथ एशियन खेलों का आयोजन भी 2019 में नेपाल ने ही होस्ट करा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे रिविजन करा रहा हूँ आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए। इससे बेटर बच्चा आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा। चीज़ें मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें बच्चा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखो, हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के ही समझा रहा हूँ आप लोगों को। चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझाई जा रही है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश के बीच में विशाखापट्टनम के अंदर बच्चा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रंप जो हुआ था बच्चा, ठीक है। टाइगर ट्रंप की बात करेंगे हम लोग, तो ये भारत और किस देश के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चा आपका, भारत में डेस्टिनी शहर के नाम से भी जाना जाता है आपका विशाखापट्टनम। तो भारत और यूएसए के बीच में यहाँ पे भारत की तीनों सेनाओं ने पहली बार भाग लिया, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये तीनों बच्चा एक साथ थे और यहाँ पे यूएस आर्मी भी इसमें शामिल हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका बन सकता है, अच्छा क्वेश्चंस है एग्जाम। नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, बाल दिवस 2019 के अवसर पर एक क्या किया गया, शिशु सुरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो ये किया गया बच्चा किसके द्वारा, असम राज्य सरकार के द्वारा। असम के वर्तमान समय पे सीएम कौन है, सर्वानंद सोनोवाल, और यहाँ के बच्चा जो गवर्नर है कौन है, तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, किस राज्य ने गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना ऐप लॉन्च किया, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ई गन्ना ऐप फॉर द सुगर कैन बच्चा फॉर्मर, ठीक है। तो ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया बच्चा, ये किया गया बी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ई गन्ना है बच्चा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। न्यायमूर्ति मोहम्मद बच्चा रफीक ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो ये ली बच्चा किस राज्य के बच्चा आपका, तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चा ये कहाँ के, मेघालय। समझ रहे बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बच्चा आपका ए मेघालय, ठीक है। यहाँ पे बी दिया गया बच्चा, नहीं ए आएगा, जस्टिस बच्चा मोहम्मद रफीक बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसरो ने बच्चा किस मिशन को 12 संभावित अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया बच्चा, तो किसके लिए किया गया, 2021 के लास्ट तक बच्चा यहाँ पे इसरो के द्वारा क्या किया जाएगा, एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो जिसका नाम क्या है, गगनयान मिशन बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ पे ए बच्चा आपका एथलीट आयोग के सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये चुना गया बच्चा आपका किसे, सरिता देवी को, ठीक है। सरिता देवी को बच्चा चुना गया अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी निकाय के लिए एथलीटों के आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। भारत के रवि प्रकाश सिंह को बच्चा क्या दिया गया आपका, ब्रिक्स यंग इनोवेटर पुरस्कार जीता है, तो इन्होंने किसके लिए, मिल्क चीलिंग यूनिट के लिए, समझ रहे हो, मिल्क चीलिंग यूनिट के लिए ये अवार्ड जीता है। और याद रखने बच्चा आप लोगों को क्या बताया था मैंने, जो रवि प्रकाश है बच्चा ये एनवायरनमेंट के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूँ तो ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में ब्राज़ील के अंदर हुआ था, और आपको अगर ब्राज़ील याद है बच्चा 19 में, ठीक है। अब जो ब्रिक्स लिखा हुआ है उसका बी से याद रखिए, बी का मतलब 19 ब्राज़ील, 20 का मतलब रसिया, यानी कि 2020 में रसिया में होना था इसको, अब ये भी पोस्टपोन हो जाएगा बच्चा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, किस मंत्रालय ने बच्चा विविध फसलों के भंडार को भारतीय पोषण कृषि कोष लॉन्च किया गया बच्चा, तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, समझ रहे हो, जो वर्तमान समय पर बच्चा इसके मंत्री किस कौन है, तो ये मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी के पास है, ठीक है। हाल ही में बच्चे जो आतंकवाद सूचकांक जारी की गई, यानी कि बच्चा आपका जो अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, यानी कि भारत बच्चा 7वें नंबर पर आता है विश्व में, 7वें जो बच्चे क्या आपका आतंकवाद से सबसे ज़्यादा जो कंट्रिया डिस्टर्ब है बच्चा उनमें से 7वें स्थान पर भारत का नाम आता है, ठीक है, जो आतंकवाद से क्या बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है बच्चे यहाँ पे, किस राज्य ने हाल ही में बच्चे 1 जनवरी 2020 से प्लास्टिक के एकल उपयोग बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो कौन सा था बच्चा आपका, केरल राज्य, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया बच्चा आपका कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। ओडिशा के वर्तमान समय पर मुख्यमंत्री कौन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए बच्चा, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, नवीन पटनायक, राजेश साहब बच्चा आपका, प्रफुल्ल कुमार मलिक या प्रताप जैना, ठीक है। तो नवीन पटनायक वर्तमान समय पर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ के सीएम है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, कालबुर्गी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राज्य है बच्चा आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। यूएस ओपन 2019 का पुरुषों का खिताब किसने जीता है, जो बच्चा आपका ग्रैंड स्लैम सबसे लास्ट में कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है, तो इसे याद रखिए, यूएस ओपन के बारे में पूछा जा सकता है आपका, तो ये किसने जीता बच्चा आपका, राफेल नडाल ने जीता था, ठीक है।
फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या होगा बच्चा? फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नया नाम होगा अरुण जेटली के नाम पे रखा गया, समझ रहे हो पूरा बच्चा? फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया अरुण जेटली स्टेडियम। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्लॉक का नाम बच्चा किसके नाम पे है? भारतीय पूर्व क्रिकेटर यानी कि गौतम गंभीर के नाम पे भी रखा गया, ठीक है? तो याद रखना बच्चा यहाँ पे गौतम गंभीर का नाम भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा आपका? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2019 जीता, ठीक है? तो किसने जीता बच्चा आपका? ये जीता था विदर्भ ने। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इनमें से संतोष ट्रॉफी जो कि किससे संबंधित है? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट इन इंडिया? तो कौन सा बच्चा आपका? संतोष ट्रॉफी आएगा इसका, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बच्चा राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? जल्दी से आंसर दे बच्चा आप लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 का प्रयोग बच्चे महाराष्ट्र में कितनी बार किया गया, ठीक है? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग अब तक महाराष्ट्र में कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हो चुका है बच्चा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पहला बीमस्टेक पोर्ट मीट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। बीमस्टेक बच्चा वही कंट्री है जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत आए थे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बीमस्टेक के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं। रट दीजिए बच्चा, अभी तक अगर एग्जाम में नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इसमें क्या है? सदस्य हैं, ठीक है? फुल फॉर्म क्या होगी? बे ऑफ बंगाल इंटेंटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड बच्चा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में, स्थापना 1997 में हुई थी। रट दीजिए बच्चा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा और याद करने में आपका क्या जाता है बच्चा, ठीक है? तो रट दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। राजस्थान में बच्चा किस झील के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रवासी पक्षी हैं बच्चा वो क्या मृत पाई गई थी? तो वो लेक कौन सी थी? तो वो लेक थी बच्चा आपकी सांभर लेक, समझ लो। सांभर लेक में क्या पाई गई थी बच्चा? हजारों यहाँ पे जो प्रवासी पक्षियाँ हैं वो मृत पाई गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे कहाँ पे बच्चा आपका? सांभर लेक, आपसे पूछा जा सकता है सांभर लेक कहाँ पे, ठीक है? तो सांभर लेक बच्चे यहाँ पे और कौन कौन सी लेक, जैसे नाकी लेक, ये माउंट आबू गए, ठीक है? इसकी इमेज आप लोग दे सकते हो, जब आप लेक की जॉब लगती है बच्चा तो घूमने जाइए विदेशों से, अच्छा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूमिए, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे स्थान है भारत में, भी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और जो रेवेन्यू है वो भारत में ही रहेगा, ठीक है? तो भारत के अन्य स्थानों में आप लोग घूमिए, अच्छे अच्छे प्लेस है बच्चा। आप सिंगापुर, स्विट्जरलैंड सारा इंडिया में ही स्थित है, उन्हें बच्चा आप लोग वहाँ घूमिए। यानी कि सिंगापुर, स्विट्जरलैंड की बात करते, जैसे भारत में जैन के वाला पोर्शन हो गया, ऊटी की बात करते हैं, उत्तराखंड में मसूरी वाला स्थान, नैनीताल हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया आपका शिमला, इन क्षेत्रों में जाइए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चा जैसे उदयपुर सिटी के अंदर भी आपका एक फेमस लेक है, ठीक है? जैसे कि बच्चा आपका सांभर लेक की बात करें हम लोग, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग बच्चा आपका। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा? निम्नलिखित मंत्रियों में से किसने हाल में भारतीय उद्योग अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये किसके पास है बच्चा आपका? प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है, ठीक है? वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता बच्चा? तो वो कौन थे? सुंदर सिंह गुज्जर, ठीक है? सुंदर सिंह गुज्जर बच्चा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना? नेक्स्ट बढ़ते बच्चा हम लोग अगले। तो ये था बच्चा हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक? और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें PDF प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, समझ रहे हो? आप लोग कुछ नहीं करिए बच्चा, आप लोग कहाँ पे जाइए? गूगल के अंदर जाइए बच्चा, ठीक है? सॉरी बच्चा, आपका गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर सिंपल सा आपको क्या कीवर्ड डालना बच्चा? EAD ऑनलाइन क्लासेस, जैसे बच्चे यहाँ पे आपका, ठीक है, लिखा होगा EAD ऑनलाइन क्लासेस, आप टाइप करिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपना रजिस्टर्ड नंबर से रजिस्टर्ड करना बच्चा, ठीक है? इसी नंबर से आप लोग मोबाइल पे भी चला सकते हो और इसी नंबर पे आप लोग कहाँ पे? डेस्कटॉप पे, यानी कि दोनों के लिए बच्चे, आपका एंड्रॉयड वर्जन भी है और आपका क्या है, PC वर्जन के लिए भी बनाया गया बच्चा, ठीक है? तो ये दोनों जगह आप लोग यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, समझ रहे हो? फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। पहले तो खुद नोट्स बनाइए, मैं तो यही सुझाव दूंगा कि आप लोग पहले खुद नोट्स बनाइए,
अगर नहीं बन पा रहे नोट्स तो अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एकेडमी के द्वारा जो अन्य कोर्स लॉन्च किए गए, यदि आप लोगों को आवश्यकता है तो उन कोर्सों को भी आप लोग खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, समझ रहे हो। बाकी आपको यूट्यूब के अंदर जो क्लासेस पहले से दी जाती है उसी तरह से दी जा रही है, चाहे वो टेक्निकल क्लास हो, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच के लिए हो, चाहे सिविल ब्रांच के लिए हो। और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग एकेडमी को पहले से जानते हैं, एकेडमी से पहले से जुड़े हुए हैं, इमोशनली तौर पे जुड़े हुए बच्चे सभी लोग, ठीक है, एक भावना तौर पर हमारा और आपका एक रिलेशन है, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, सभी के साथ बच्चा एकेडमी के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि मैं वर्तमान समय पर कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, उससे क्या होगा बच्चा, एक माउथ पब्लिसिटी की बात आती है, समझ लो। आपके पेरेंट्स जिस गवर्नमेंट ऑफिस में जाते होंगे या जिस जहाँ पे भी जॉब पे जाते होंगे तो वो भी चर्चा कर सकते हैं कि हमारा बच्चा वर्तमान समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के पोर्टल पे जाके पढ़ता है, यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ता है। और माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चा, ठीक है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं उस तरह से अब तक बच्चा हमें फीडबैक नहीं मिला है, इस कारण से कह रहा हूँ बच्चा, ठीक है। क्योंकि आज के समय पे देखो हमारा जो पहले से स्ट्रैटेजी थी कि YouTube के अंदर हमें फ्री में जो लेक्चर देना है तो वो फ्री में ही रहेगा बच्चा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब एकेडमी के अंदर इतने ज़्यादा मेंबर्स हो गए, सभी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर देनी है, पीडीएफ भी देना है, सभी चीज़ें अगर प्रॉपर देनी है तो उसके लिए बच्चा स्टाफ बढ़ाया गया, अगर स्टाफ बढ़ाया गया तो उसके लिए बच्चा रेवेन्यू जनरेट करना होगा, तो वही चीज़ें बच्चा, ठीक है। हम आज भी वहीं पे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, समझ लो। हाँ, सिर्फ तकनीकी तौर पे जरा हम लोग समझ लो तकनीकी तौर पे एडवांस हो चुके हैं। अगर स्टूडियो से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमने घर बैठ के सीखा कि आपको कैसे क्लास दी जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग तकनीकी तौर पे हम लोग जरूर बदलाव हुआ है बच्चे, ठीक है। पहले मार्कर और बोर्ड से पढ़ाते थे, आज हम में खुद भी बदलाव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इससे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम में बदलाव हुआ है तो आप भी बच्चा बदलाव कीजिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बच्चा जो बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चा, पुराने बच्चे तो शेयर ज़रूर कीजिए, उनसे तो मैं हक से कहूँगा कि वो शेयर करिए, ठीक है। जो नया बच्चा जुड़ रहा है वो पहले और वीडियो को देखे, समझ में आता है, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, अगर उसे चीज़ें समझ में आ रही है तभी वो क्लास को देखे, अन्यथा बच्चा खुद भी तैयारी कर सकते हो, बहुत सारी बुकें हैं, हर किसी का अपना अपना माध्यम होता है, ठीक है। तो बच्चा मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।